गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ वी आर कंटिन्यूइंग दिस स्टोरी फ्रॉम हियर ओके ओके सो वी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस पेज इफ यू सी ओके अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर कोर्ट यानी कि क्या कह रहे हैं वो कि एक स्टोरी जो थी तानसेन की ठीक है तानसेन के बारे में एक स्टोरी है जो कौन थे तानसेन वॉज अ ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर कोर्ट बार्ड मतलब कोई शायर या कवि अकबर के कोर्ट कोर्ट मतलब क्या कोर्ट मतलब दरबार या न्यायालय ठीक है जहाँ पर न्याय होता है तो अकबर का जो दरबार था उसके एक कवि या शायर या गायक थे तानसेन तो उनके बारे में एक स्टोरी है विच इलस्ट्रेट्स पॉइंट विविडली इलस्ट्रेट मतलब उदाहरणों या चित्रों द्वारा समझाना मतलब हम जब ये स्टोरी बताएंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या समझ में आ जाएगा कि म्यूज़िक का कितना इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक या आर्ट का कितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस है ठीक है विविडली मतलब विविडली मतलब स्पष्ट रूप से अपने को स्पष्ट रूप से ये समझ में आ जाएगा इस कहानी को सुनने के बाद तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिज म्यूजिक तानसेन एक बहुत बड़े एक महान म्यूजिशियन थे संगीतज्ञ थे और अकबर कौन थे अकबर संगीत प्रेमी थे वो उनको संगीत बहुत पसंद था म्यूज़िक बहुत पसंद था वन डे वन तानसेन वॉज़ इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म एक दिन जब तानसेन एक बहुत अच्छी फॉर्म में थे बहुत अच्छा गाना गा रहे थे अकबर वेंट इन टू एक्सटेसी एंड आज एक्सटेसी मतलब चरम आनंद कि जब तानसेन गा रहे थे तो अकबर इतना डूब गए थे उस गाने में और वो डूबते डूबते उनसे पूछ रहे थे तानसेन से पूछते हैं क्या पूछते हैं व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्सर्ट ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट ऑफ द सीक्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन्स अकबर इतना डूब गए थे और डूबते डूबते तानसेन से पूछते हैं कि ये जो तुम गाना गा रहे हो तानसेन इसका पीछे क्या सीक्रेट है ठीक है वॉट इज द सीक्रेट ऑफ द ऑफ़ दिस स्वीट कॉन्सर्ट ये जो कॉन्सर्ट है मतलब संगीत का सार्वजनिक प्रदर्शन ठीक है जो आप जो गाना गा रहे हो प्रदर्शन कर रहे हो संगीत का इसमें पीछे इसके पीछे क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया से बाहर हो जाता हूँ इस दुनिया को भी भूल जाता हूँ और ये शक्ति मुझे किसी पवित्र स्थान पर लेके चली जाती है ठीक है डिवाइन रीजन्स ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन ठीक है आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट स्पेल आई हैव नॉट heard एनी वन एल्स मैंने आज तक किसी और को नहीं सुना है ठीक है हु कैन दस कास्ट स्पेल ऑफ मैजिक जो कि इतना अच्छा मंत्र जो जादू का मंत्र जानता हो ठीक है एंड मेक अ स्लेव ऑफ इज हार्ट जो कि अपने गाने से इतना मंत्रमुग्ध कर ले कि सुनने वाला गुलाम हो जाए तो अकबर इतना ज़्यादा खुश हो जाते थे तानसेन के गाने से कि वो पूछने लगते थे तानसेन से कि इतना कहाँ से तुम्हारे अंदर जादू आया कि मैं इतना मंत्रमुग्ध तुम्हारे लिए हो गया आर रियली वंडरफुल तानसेन तुम बहुत ही शानदार हो तानसेन ठीक है द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड मतलब जो महान शायर थे तानसेन उन्होंने जवाब दिया क्या जवाब दिया सर आई एम ओनली अ हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर मैं तो सिर्फ अपने मास्टर यानी अपने गुरु का सिर्फ एक शिष्य हूँ स्वामी हरिदास जिनका नाम क्या है स्वामी हरिदास आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक मैंने अपने मास्टर की जो टेक्निक है उसका छोटा सा हिस्सा भी मैंने अभी तक नहीं सीखा वो भी नहीं जाना ग्रेस एंड चाम यानी कि उनकी जो क्षमता है ग्रेस यानी क्षमता क्षमता और उनकी गायकी में जो जादू है उसका मैं छोटा सा हिस्सा भी नहीं हूँ वॉट एम आई बेसाइड हिम इन प्रोवाइडिंग मेलोडी एंड चाम इन साउंड उनके उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ उनकी गायकी उनकी मेलोडी मतलब धुन जो गाते हैं जिस तरीके से वो और उनके गाने में जो जादू है उसके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ वॉट दर क्राइड क्या राजा जो अकबर राजा थे वो रोने लगे इस वन हु कैन सिंग बेटर देन यू क्या ऐसा भी कोई है जो आपसे भी बेटर कर सकता है आपसे भी बेहतरीन कर सकता है इज योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट क्या आपके जो गुरु हैं वो सचमुच में इतने एक्सपर्ट हैं आई एम बट अ पिग्मी बाय माई मास्टर साइड पिग्मी मतलब बोना डॉर्फ जिसे हम बोलते हैं छोटा ठीक है आई एम बट अ पिगमी बाय माई मास्टर साइड मैं अपने मास्टर के आगे बहुत छोटा हूँ बहुत बोना हूँ सेट तानसेन जी तानसेन ने कहा अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रिक्ट इंट्रिक्ट मतलब क्या इंटरिक्ट मतलब किसी की उत्सुकता को जगाना या किसी की उत्सुकता जागना अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रिक्ट मतलब अकबर की जो उत्सुकता थी वह जाग गई बहुत ज़्यादा जाग गई ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास बट एम्पर दो ही वॉज ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हेस कोर्ट वो क्या चाहते थे वह चाहते थे कि हरिदास को बुलाना या हरिदास से मिलना या हरिदास को सुनना चाहते थे उनका गाना सुनना चाहते थे क्योंकि तानसेन ने बहुत तारीफ कर दी थी लेकिन वह राजा होते हुए भी एम्परर दो ही वॉज ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिस कोर्ट वो अपने दरबार में हरिदास जी को नहीं बुला पाए सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयास तो उन्होंने क्या किया वो और तानसेन हिमालय पे गए जहाँ पर जहाँ पर हरिदास जी रहते थे वेयर इन एन आश्रम ड्वेल्थ द स्वामी जहाँ एक आश्रम में स्वामी हरिदास जी रहते थे ट्वेल्थ मतलब रहत, रहना ठीक है ट्वेल्थ मतलब रहना और ट्वेल्थ उसकी पास पार्टिसिपल है तानसेन हैड ऑलरेडी वॉन्ट अकबर दैट अ स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वॉन्टेड टू तानसेन ने अकबर को पहले ही वॉन कर दिया था पहले ही समझा दिया था कि स्वामी जी जो है जब गाना चाहेंगे वो तभी गाएंगे यानी कि उनकी इच्छा होगी तो ही गाएंगे वो सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम बहुत दिनों तक स्वामी हरिदास और अकबर आश्रम में ही रहे बट द स्वामी डिड नॉट सिंग पर जो स्वामी हरिदास जी थे उन्होंने गाना नहीं गाया देन वन डे तानसेन सेंग वन ऑफ द taught by बाय स्वामी एंड डेलिबरेटली a फॉल्स नोट तो तानसेन ने क्या किया अब हरिदास जी जब गाना नहीं गा रहे थे तो इन्होंने जान बुझ कर तानसेन जी ने एक दिन गाना गाया ठीक है सैंग वन ऑफ द सॉन्ग्स ठीक है जो कि हरिदास जी ने ही सिखाया हुआ था उनको और जान बुझ कर उस गाने में गलती कर दी जान बुझ कर मिस्टेक किया ठीक है इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑन द सेंट उससे क्या हुआ कि जो हरिदास जी उस गाने को सुन रहे थे अचानक से एक इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हुआ उन पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब एकदम तुरंत असर हुआ ठीक है उन पर सेंट मतलब संत उस संत पर तुरंत असर हुआ हिज एस्थेटिक नेचर रिसीड रूड शॉक उनका जो स्वभाव था मतलब सुंदर कोमल या शांत स्वभाव था विनम्र स्वभाव था उसको क्या हुआ उसको एक आघात पहुंचा, धक्का पहुंचा, बहुत रूड था जो कि ठीक है ही टर्न टू तानसेन एंड रिब्यूक धीम वह तानसेन की तरफ मोड़े और उन्हें बहुत जोर से फटकार लगाई डांट लगाई रिब्यूक मतलब डांटना फटकारना ठीक है से ये कहते हुए वॉट इज हैपन टू यू तानसेन दैट यू अपल ऑफ माइंड शुड कमिट सच ए ग्रॉस ब्लंडर उन्होंने कहा कि तानसेन तुम्हें क्या हो गया है मेरे शिष्य होते हुए भी तुम ऐसी गलती करोगे ब्लंडर मतलब मूर्खतापूर्ण भूल स्टुपिड मिस्टेक ग्रॉस मतलब बहुत बड़ा या गंभीर ठीक है तो इतनी बड़ी तुम मूर्खतापूर्ण गलती करोगे